प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना आपको, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बधाई हूँ। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली का ज्ञान प्राप्त करें। आज मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुध ग्रह कुंडली के प्रत्येक भाव में आपके जीवन पर क्या प्रभाव देता है, क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है, इसको आप सुनिए। जिसकी कुंडली में लग्न में बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग चैत्रवान होते हैं, हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता होती है। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, सज्जन होते हैं और गलत कामों से दूर रहते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में बुध बैठा हुआ है, ये धार्मिक विचार के होते हैं, गरीबों की सेवा करने वाले होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले और अच्छा यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग कर्मठ होते हैं, सुख कुशल होते हैं, कार्य अच्छी सफलता पाते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग सम्मानजनक शिक्षा पाते हैं, बुद्धि के ज्ञाता होते हैं, विद्वता के ज्ञाता होते हैं और ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग केस मुकदमा नहीं लड़ते हैं, ऐसे लोग कभी जेल नहीं जाते। जिसके कुंडली में बुध सातवें भाव में बैठा हुआ है, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन सुखदायी होता है, ऐसे लोग कभी कर्जदार नहीं होते, कभी भीख नहीं मांगते। जिसके कुंडली में आठवें भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग संकोची होते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, ऐसे लोग भावुक होते हैं, उदार होते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में बुध बैठा हुआ, ऐसे लोग व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, इच्छा अनुसार उन्नति करते हैं, इनके पास जो कुछ भी धन दौलत रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है। जिसके कुंडली में दसवें भाव में बुध बैठा हुआ है, ये समाज सेवक होते हैं, समाज का कार्य करते हैं, कम परिश्रम में अच्छी उन्नति करते हैं, भाग्यशाली होते हैं। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, ऐसे लोग उद्योग और व्यापार से अच्छा धन कमाते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग के चौथेपन अच्छे नहीं जाते हैं, संतान के विचारों से मतभेद रहता है, आर्थिक तंगी में रहते हैं, ये कभी धन संचय नहीं कर पाते। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न करना है तो मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में संपर्क कर। अगर कोई मित्रगण को अपनी कुंडली दिखाना है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम को जान जाइए, इसके बाद आपका कुंडली का विश्लेषण कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना करते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।